मैं खुद जा रही हूँ कैब में, सॉरी हिरेना में तुमसे बात नहीं करी, समझ में आ रही है? Hey, what's up guys? Welcome to the new vlog. Hi. मैं बोला इतना लंबा पॉज क्या हो गया? कुछ तो नहीं हुआ. अभी भी नींद में है क्या? नींद उड़ी नहीं है? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अबे शर्म कर, दोपहर के 1:10 हो रही है, बोल रहे नींद उड़ी नहीं है. तो क्या? और ऐसा भी नहीं, कल रात को तू जल्दी नहीं सोई हो. तो क्या हुआ? इंसान है, होता है कभी कभी इंसान तो ऐसा ले. हाँ तो एग्जैक्टली मैं भी वही समझाना चाहता हूँ, इंसानों के साथ होता है, तेरे साथ कैसा हो रहा है ये देखो. गाइस आप लोगों की हंसी आई हो तो कमेंट कर देना स्माइली हंसने वाले. एनीवेज हम लोग निकले हैं अभी फिलहाल बाहर, और क्योंकि हिरन का कल फोन क्या टेम्पर ग्लास गंदे से बिगड़ टूट गया, मतलब इतना गंदे से टेम्पर ग्लास टूटा है ना कि मुझे गारंटी पता है अगर टफन नहीं होता ना तो गारंटी स्क्रीन जाता, क्योंकि गिरा फोन पत्थरों पे, मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना उसका जो शार्प पोर्शन होता है ना उसके ऊपर गिरा दो, तो दो बड़े बड़े ऐसे टफन पे होल्स हो गए बड़े वाले. और वो क्या हो रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ तो कांच मेरी उंगली में लग रहा है. हे हमारी फेवरेट जगह जो मोबाइल इज बैक. घर पे तो बैठती है तब रील स्क्रॉल करती है, तब देख लेती है, तो अब ब्लॉग देख रही है यहाँ पे घूमते घूमते अपना. हाँ अरे भैया बैक टफन बड़ा है. ये एक फोन जो क्रैक है, मतलब टेम्पर, ये टूटा हुआ टेम्पर, ये हिरन का और एक मेरा. क्या करता है हिरन ये बार? उसने टूटा हुआ मैं क्या करता हूँ? मेरा तो है बट ये बार तो तेरा रिकॉर्ड होगा 11वां तेरा टेम्पर है. मेरे को अभी भी डाउट है कि 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स का ही है कि नहीं. इसीलिए भरोसा नहीं है. 11वां 13वां टूटा है मेरा. थोड़े के लिए बच गया था हिरन. हिरन थोड़े के लिए बच गया था, थोड़े के लिए बचा था पता है. सारे मोबाइल का टफन का काम तो हो चुका है खत्म. अंकिता ने अपने लिए कवर देखा था पर फिर अंकिता को इतनी मजा नहीं आई क्योंकि सिलिकॉन वाला था. हाँ. तो अंकिता ने वो कवर रखा तो क्या दिखा रही थी कि तो भूल गई थी तो चेंज नहीं करवाया. तो चाहिए था क्या वो? अच्छा लगा था पर वो बहुत स्मूथ था, मेरा हाथ से छटक जाता है फोन टूट जाता. ओके गाइस तो हम लोग है ना, मतलब दोपहर को कुछ व्लॉग नहीं क्योंकि काफी सारा घर का भी काम था और मम्मी का भी रिलेटेड काम था. अभी फिलहाल अंकिता बहुत ज्यादा रो रही है. अंकिता दिखा नहीं था कैसा तू रो रही हो? बात नहीं करी, समझ में आ रही है तो रो रही है ना. एक मैं पेट्रोल डलवा देता हूँ पहले. मेरे एक बात बता, तू गुस्से में है तेरे बोल रहा इधर देख तो च्युइंगम खाने का कैसे मन कर रहा है या चॉकलेट जो भी है बोलना. मैं तुझसे बात नहीं करने वाली. एनीवेज हमारा ना पेट्रोल 14 किलोमीटर हो चुका था तो अभी डलवा रहा हूँ मैं फुल, क्योंकि अंकिता को कल ड्रॉप करने जाना है बड़ौदा, तो पेट्रोल फुल करवा रहा हूँ यहाँ पे. मैं खुद जा रही हूँ कैब में, सॉरी हिरेना में. यार बस ना अंकिता, प्रैंक हो गया खत्म. तूने रोना ही बंद कर दिया. जब तू रोना बंद कर दे प्रैंक खत्म और गुस्सा भी खत्म. इट्स ओवर. नहीं होता, यहाँ पे रहता है और फील होता है. हाँ तो फिर रो. जब तक तू रोएगी तब तक ही वो अपना झगड़ा चलाने का, तब तक नीचे उसके बाद नीचे चलाएगा. इधर देख, इधर देख, इधर देख, वरना ये खींच लूंगा. हो गया ना, सॉरी. आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. आई डोंट वांट अंकिता, तुझे तेरे ये चोट लगी कसम मान जा. अंकिता सॉरी. क्या मलेगी? बस ये तू रख ले, बस इसके लिए प्रैंक होता ना, ले ये रख ले. मुझे नहीं चाहिए, मैं ये चीज की पहना था तो मेरे को तेरे बोल रहा हूँ. अरे इतनी तो 4000 का हो गया. वाह इतना ज़्यादा हो गया. 41.45 और कितना किलोमीटर दिखा रहा रेंज? 732. नॉट बैड. तो अभी हम आ चुके हैं फाल्गुनी. अंकिता का सही है, बात मेरे से करनी नहीं है पर अपने खुद के काम के लिए मेरे को ले जाना है. मैंने तो बोला तेरे को चला जा. ड्रॉप करने भी तो बोला ना मेरे को, देख काम तो मेरे से करवा ही रही ना, ऐसे नहीं तो वैसे. तो हमने ना ये लिया है 200 ग्राम फिलहाल, क्योंकि ये बहुत गजब है, एकदम फ्रेश आया हुआ है. कहाँ? सूरत का है ना? सूरत का. हाँ ये रहा सूरत का. मैं वैसे ज्यादातर लोग पढ़ेंगे उनको गुजराती पढ़ने नहीं आती होगी शायद, इसलिए. पर ऐसे पोंक मिलता है यहाँ पे फाल्गुनी में. मेरे को मम्मी ने पहली बार ट्राई करवाई थी, इसके सेव के साथ आती है ना. यार टेस्ट हो जाएगी इसकी. इनके पास है ना स्पेशल, वो क्या बोलती है किस चीज़ की, सेव. सेव भी ना सेव ज़्यादा अच्छी लगती है. अरे तू तो ऐसे खाएगी ना. ज़्यादा मतलब तू टेस्ट करके बता है कैसी लग रही. देखो मस्त है ना. मैं तो अभी बोल रहा हूँ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्यों तो पागल है, तो सही चीज़ें पता नहीं है.
थैंक यू भैया। अपने रात को ऐसे टाइम पास के लिए बैठेंगे ना, उसके लिए 100 ग्राम लिया है और मम्मी के लिए लिया है 100 ग्राम फिलहाल, क्योंकि यहाँ से जब भी लेना हो ले सकते हो, फिर बिगड़ जाए उससे बेटर है ना। देखा हो गई ना बात अपनी। अरे ये क्या तेरी मर्जी के हिसाब से तुझे बुरा लगता है, तेरी मर्जी के हिसाब से बात करती है, तेरी मर्जी के हिसाब से ठीक लगता है। ये मैंने एक बॉटल ली है जो मैंने उनको बोल दिया अभी पी रहे हैं, बिल बाद में करवाता हूँ। ये तो एक बॉटल पता है कैसी है? कैसा? वो सोडा की बॉटल है, नींबू सोडा वाले का। ओ देख जो तो गोली है, इसको अंदर पॉप करके ना बंटा वाला, बंटा सोडा कुछ तो है। तो उछालना मत यहाँ पर, वो आता नहीं है, कैसे करते हैं इसको ट्राई कर। मेरे को इसके साथ होगा, इसके बिना करना पड़ेगा, उछालना मत पहले बता रहा हूँ। वो ठीक है, देखो क्या जी अच्छा है, अच्छा क्या ठीक है। लिपस्टिक लगा दी यार इसमें, मस्त है यार, मैं तो पहली बार देखी है। तूने पी है पहले? नहीं मैंने। कर ले पी, शांति से एंजॉय कर, ठंडा कर रहा हूँ इसको गुस्से से। एक तरफ हमारे यहाँ पे बिलिंग विलिंग चल रहा है, दूसरी तरफ अंकिता बैठी है, ऐसा लग रहा है वो यानी दुकान में काम करती है, चलो माल अलग अलग करने का है, फिर दो अलग अलग थैलियाँ कर रही है। इधर देखो, वो तो हर 2 सेकंड में बोलती है, उसके बाद 2 मिनट बात करती है, फिर वापस बोलती है नहीं बात करनी। वो तो हमेशा बोलती है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इसका जवाब दे देना सिर्फ। भाई तूने एक बात बता, ये अंग्रेजी सिक्के सारे इस पर क्यों पहने हुए? कंधों पे रखा, चढ़ा के बैठ रखी है तूने, वही तो गलती है। बाप रे, रात हो चुकी है, अभी तक निकुंज का वेट कर रहा है कि वो फ्री हो ऑफिस से, आए तो हम लोग खाने जा रहे हैं। वैसे फ़ोन आ चुका है, वो फ्री हो चुका है और वो रास्ते में अंकिता को मतलब एक शॉप में जाने का, यहाँ पे कोई बेकरी में, दूसरी जो बेकरी यहाँ पे ढूंढ रही थी वो तो बहुत ज़्यादा दूर थी, 12-13 किलोमीटर दूर थी, उसकी सेम चीज़ यहाँ पे कहीं पे मिलती है, देख लेते हैं। एक्चुअली अंकिता को नहीं, दिव्यांग को लेने का ना, यहाँ से देखते रहे ना अंकिता, इधर बालकृष्ण बेकरी यहाँ ये रोड पर। तो भैया अंकिता को तो ढंग से दिखी नहीं, पर यहीं पर है वो शॉप, होपफुली मिल जाए अंकिता को। नहीं मिला लगता है, तुरंत यू टर्न मार रही है। अच्छा कोई और एड्रेस मिला है इसको, चलो अंकिता को जो चाहिए था वो तो मिला नहीं। अभी हाँ। में एक 1.5 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। 1.5 साल के बच्चे का? बेचारा, मेरे से बहुत सारे होते होंगे पर सारे चीजें है ना वायरल नहीं होती होगी और न्यूज में नहीं आती होगी, बहुत संभाल के रहना चाहिए। What? तूने तो बोला था ना अभी कि तेरे को संभालने की कोई चीज नहीं है, तो मेरे को संभाल के रहना चाहिए, बिकॉज तू ना खो जाए ऐसा। अब तुझे ऐसा लगता है तो इतनी बड़ी है 1.5 साल? इतनी ज्यादा 3 गुना बड़ी हो गई। चलो यार अब खाने चलते फाइनली। मेरे को तो यार पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे फास्ट रखा हुआ नहीं, टाइम का वेट करना पड़ रहा है खाने के लिए, वैसे निकुंज का वेट करना पड़ रहा है। पर फिर पेट भर जाता ना। मैं तो 6 बजे से बोल रही हूँ कि खा ले कुछ थोड़ा। पर ठोठा ठोठा अंडरस्टैंड, ठोठा इज आई लाइक ठोठा। ये आल्सो लाइक ठोठा। पर यहाँ का तो कैसा होगा पता भी नहीं है। पर निकुंज ने बोला है कि बहुत फेमस है यहाँ। एक काम करते हैं, अगर नहीं अच्छा निकला तो हमें पीटते हैं उसको दोनों मिलकर। हाँ वहाँ पे वही ठोठे के ठोठा उसके मुँह में डालेंगे सर। ठीक है, यहाँ तो आ सकती थी गाड़ी। मैंने बोला ना ये निकुंज की वजह से, निकुंज बोलता है वहाँ पे गाड़ी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। हम लोग पता है वहाँ पे PVR में पार्क करने के बाद कब से चले जा रहे, अब हमको ऐसे फीलिंग आ रही है कि हम लोग अहमदाबाद में टूरिस्ट है, कसम से नेपाल में आए हुए या कोई और सिटी में आए, ऐसा नहीं फीलिंग आ रही है। हाँ मालूम है मेरे को, अभी उठाता हूँ मैं, बोल दूंगा पहुँच गए हम तो। तो पहले नहीं, निकुंज से पहले हम लोग यहाँ पहुँच गए, पर एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे यार, वेटिंग तो देखो गजब की, इतने सारे लोग बाहर जो बैठे हैं, उस तरफ जो बैठे हैं, सामने जो बैठे हैं, सारे के सारे लोग वेटिंग में बैठे हैं। और मी सच बोल रही हूँ, हम अंदर गए नंबर लिखवाने के लिए, लिखवाया तो मैंने उसको पूछा कितना टाइम लगेगा, तो बोल रहे कि ये हमारे ऊपर करीबन 25-30 नंबर थे, मतलब एक पेज एक पेज पूरा था इतना है, और वो नीचे नीचे वाले भैया बैठे ना उनके पास एक और पेपर है। पर अच्छी चीज है जो नाम लिख रहा था ना वो हमारे सब्सक्राइबर है, होपफुली कुछ जुगाड़ कर दे तो अच्छी बात है, हम वेट कर रहे हैं। YouTube भगवान YouTube भगवान। तो पिछले 1 घंटे से हम लोग आराम से वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अंकिता बोल रही है बस अब पैसा भी देने का, वेट भी करने का, खाने का भी, भूख बहुत ज्यादा लगी है। पता नहीं क्या बोल रही है,
बाहर बैठे हुए थे, फिर हम लोगों ने चलो अंदर जाके बैठते हैं। निकुंज बोल रहा था पूछने जा रहा है, मतलब हम भी आते हैं बैठे रहे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ बैठ के खुशबू आ रही है और उससे भूख लगी हुई थी। हाँ खुशबू से और भूख लगी, ऐसा लग रहा है इससे पेट ना भर जाए इसकी वजह से। तूने फोर्स किया था यहाँ पे जाएंगे, बहुत से जगह है, मैं तो गाड़ी दूर रख के चल के आया मालूम। मैंने ऐसा तो नहीं बोला था कि यहाँ पे ही बोला जाना, बोला था कि नहीं कुछ झूठ भगवान से थोड़ा थोड़ी फोर्स किया था आज यहाँ पे ही और यहाँ तो पता है इसके दोस्त का इसे बोल रहा था। नहीं मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि यहाँ पे ही जाना है। नहीं वैसे जगह देख के है ना, इतनी भीड़ देख के लग नहीं रहा कि इसको प्रमोशन की जरूरत है। पता नहीं क्या होगा हमारा, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और सुगंध भी बहुत ज़्यादा आ जा रही तो और ज़्यादा भूख लग रही है। बस ये सोच रहा हूँ इतना ज़्यादा वेट करने के बाद ऐसा ना हो कि अच्छा ना लगे, वरना हमने सोचा है अंकित और मैंने क्या करेंगे, ये तो और वेट करेगा अभी मारने वाले, अभी मारने वाले, अभी मुझे अलग टेबल देना है यहाँ, एक नहीं मिल रहा है अलग देना है, एक ना मिल रहा है वो है ना, यहाँ पे दे दो। वो क्या बोलेगा पता है, भाई तू ले पकड़ कर जा। फाइनली हमारा नाम आ गया, नंबर आ गया। ओ बाप रे, ये तो ऐसा लग रहा है किसी कॉर्पोरेट ऑफिस की कैबिन बनाए हुए हर जगह पे। तो आ गया ये एक लहसुन की सब्जी, ठोठे की प्लेट और बहुत सारी ब्रेड, क्योंकि ब्रेड के साथ ठोठा सबसे अच्छा लगता है, बटर मिल्क पापड़ और अभी रोटला भी आएगा ना एक, है ना ये कैसे हो इसको देखो। अरे वॉट वॉट नहीं, ये ऐसे लुक दे रहे थे जैसे पता नहीं, ये देखो फोटो वोटो ले रही हो, जब ये खुद ही लेते रहते हमेशा। फिलहाल हमने लहसुन की सब्जी ट्राई की, रोट लगे भाई बहुत औसम है ना, पर निकुल के सामने बोलना मत। तू अकेला भी रहा है यहाँ बिना प्लेट के, उसके ढूंढे आने बाकी भाई, इसमें से खाना तब तक। सुपर है ओ भाई, कसम से बता रहा हूँ, जबरदस्त खाना आज, मैं कसम से कह रही हूँ, इतना ज्यादा ओवर ईटिंग किया है मैंने हीरे निकुंज, मतलब मैंने तो 100% किया है, कुछ ज्यादा ही एक्चुअल में बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग हो गया है। बहुत मस्त है लिटरली, मैं चल रहा हूँ ना तो ऐसे यहाँ तक खाना और छास वास सब उछल रही है। पहले टेंशन थी कि इतना चलना पड़ेगा, अब लग रहा है वाह इतना चलना पड़ेगा, अच्छा है तो डाइजेस्ट हो जाएगा। और निकुंज एक्टिव पे देखो हमारे साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे निकुंज का ही पूछ ले, निकुंज पेट भरा ना कि नहीं भरा? हाँ मतलब भूख नहीं है ना नहीं, कुछ खाना वाना तो बोलना रास्ते में ऐसे, वरना मंगा लेंगे वहाँ घर पे। पर एक्चुअली इसने सजेस्ट की थी जगह और बहुत बढ़िया थी। प्राइस में भी हम लोगों ने इतना सब ऑर्डर किया था, इतना सारी चीजें और सिर्फ 500 समथिंग हुआ था ना, 700 अरे 700 यार हवा में बोल देती है, 775 हुआ था और बहुत अच्छा होता है, मतलब हमने बहुत सारी चीजें मंगाई थी। हाँ अभी हम चल के जाएंगे और अभी कोई पता नहीं ऐसी स्पीड में चला पाएगा, इतना ऐसी स्पीड में इतना चला लेगा तो ठीक है। इतना चल के थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं पर फिर भी नहीं लग रहा है कि खाने में से खाना हिला है पेट में से। ये बैठ बैठ नहीं, अभी काम है बहुत सारा, काम करने बैठने का, अभी तो एडिटिंग मैं तो पैकिंग करना बाकी है।